अपने यूट्यूब चैनल दे विच जिसका नाम है अमित जिंदल। प्यारे विद्यार्थियों, अज की इस वीडियो दे विच गल करांगे UGC NTA नैट का जो पंजाबी का पेपर हुंदा है, उस पेपर का लैवल की हुंदा है, किस तरह के जो प्रश्न ने उहदे विच पुछे जांदे ने। अज दे इस वीडियो दे विच जो पुराने पेपर हो चुके ने UGC NTA नैट के हुण तक के, उहनां दे विच जिहड़े प्रश्न पुछे गए ने उहनां दे नाल संबंधित सीरीज शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करदा कि जिहड़े विद्यार्थी पहली बारी पेपर दे रहे ने उन्होंने वास्ते यह प्रश्न ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो जोड़े उन्होंने प्र महत्वपूर्ण प्रश्न से उन्होंने उत्तर उत्तर लैके दे हाजिर हो शुरू करते हैं जी वीडियो। पहला प्रश्न, द रेप ऑफ लॉक पॉप पुस्तक का पंजाबी विच गुतनी हरन सिरलेख हेठ काव्य अनुवाद किसने किया है। तो जो ये पुस्तक है पंजाबी दे विच अनुवाद किया गया गुतनी हरन सिरलेख हेठ, तो यह जो अनुवाद है वह किया है जी डॉक्टर गुरचरण सिंह ने, डॉक्टर गुरचरण सिंह। दूजा प्रश्न है जी, हरिभजन सिंह काव्य के मुख प्रसार हैं, जो हरिभजन सिंह ने उन्हों का जो काव्य है वो मुख प्रसार ने जो कि ने किस किस विषय नाल संबंधित ने, वह ने जी ये मंथन बिरती, सुहज सिरजन, संवाद ते प्रगीतकता। तो एज इट इज़ ये प्रश्न तुहाडे लई बहुत महत्वपूर्ण रहणगे, मैनूं पूरी उम्मीद है। तो इस वीडियो नूं शुरू तो लैके अखीर तक जरूर देखियो। तीजा प्रश्न है जी, अगे भगत कबीर दीआं बाणियां दा सही वर्ग है, क्योंकि पेपर दे विच चार चार ऑप्शन दिते हुंदे ने, तो उन्हां चारों ऑप्शन दे विचों जो सही ऑप्शन है उरे लिखे गए ने, तो इन्हां दी जो बाणियां दा सही क्रम है सही वर्ग है उहदे विच आउंदे ने जी 52 अखरी, 15 थिति ते 17। अगे जी चौथा प्रश्न, लोग जाने यह गीत है यह तो ब्रह्म विचार उपरोक्त तुक यदा संबंध किस नाल है। इस तुक है जो लोग जाने यह गीत है यह तो ब्रह्म विचार, तो ये बाणी है जो ये गुरबाणी के काव्य शस्त्र के नाल यदा संबंध है, गुरबाणी के काव्य शस्त्र। पांचवा प्रश्न है जी, अगे पंजाबी संस्कृति मूल रूप विच यह लोकवादी है, क्योंकि क्योंकि जिहड़ी पंजाबी संस्कृति है मूल रूप दे विच यह लोकवादी है क्यों है। हाँ जी, चार ऑप्शन दे विच उहदा सही उत्तर सी कि यह मोह माया नूं नकारदी नहीं स्वीकारदी है, इस विच दसां नोहां दी किरत करन वाले मनुख नूं सलाहिया गया है, इस करके जो है लोकवादी है। छेवां प्रश्न, आधुनिक काव्य बोध दे मुख आसार मूल आधार हन, जो आधुनिक काव्य बोध है वो मूल आधार कड़े ने, आते ने जी विज्ञानिकता, स्वै केंद्रता, यह यथार्थ बोध है, यथार्थ का ज्ञान करवाता है, तो समकाली चेतना, ये चार मूल आधार ने आधुनिक काव्य बोध के। सातवां प्रश्न है जी, धुनि संप्रदाय अनुसार वाक की शक्ति की है। धुनि संप्रदाय की गल कर रहे हैं, ये वाक की शक्ति की है, तो वाक की शक्ति हैगी है तात्पर्य। अठवां प्रश्न है जी, अगे पंजाबी उपभाषावां संबंधी खोजकारां दा सही जुट किहड़ा है, कि खोजकारां दा सही जुट है जिन्हां ने पंजाबी उपभाषा के उपर खोज कार्ज किया। इहदे विच है जी सही ने डॉक्टर बलवीर सिंह सिद्धू ते डॉक्टर SS जोशी। नौवां प्रश्न है जी, अगे काव्य रूपां दा किहड़ा वर्ग गुरमत अते सूफी काव्य विच सांझे तौर ते वरत्या जांदा है। ये सारे काव्य रूप अपने पढ़े हुए ने, वीडियोज़ पाइया हुई ने, तो यह कि वर्ग इन देखने से अलग अलग वर्ग दिते हुए हैं कि वर्ग है जो गुरमत काव्य के भी है तो सूफी काव्य के भी वरत्या गया है। यह ने जी श्लोक, शब्द ते बारहमा, यह ने जो ये गुरमत काव्य तो सूफी काव्य के वरते गए हैं। दसवां प्रश्न है जी, अगे नाटकी पाठ अते रंगमंची पाठ दी दुबंड किस सिद्धांतकार ने कीती है। एक तो नाटकी पाठ हो गया तो एक रंगमंची पाठ है, जिहड़ा दोवां दे विच डिफरेंस है, इन्हां दी दुवंड है जो किस सिद्धांतकार ने कीती है जी कीयर एलाम ने। ग्यारहवां प्रश्न है जी, चिन्ह विज्ञान नाल संबंधित विद्वानों का सही वर्ग किहड़ा है। चिन्ह विज्ञान ये है जी रोला बारत, अकिरतेको ते जूलिया क्रिस्तीवा। बारहवां प्रश्न है जी, कि मुरशद भगती विच बुले शाह नूं मौलाना रूम दे पद्धर दा साधक किसने कहा है। मुरशद दी भगती है जो बुले शाह ने कीती सी, उहदे अनुसार मौलाना रूम दे पद्धर दा साधक
बुले शाह नूं कहा जी डॉक्टर लाजवंती रामा कृष्णा ने। 13वां प्रश्न है जगे पंजाबी सूफी काव्य दे प्रमुख चिंतक हन गुलवंत सिंह, गुरदेव सिंह, हरजिंदर सिंह ढिल्लो ते साधु राम शारदा, ये सूफी काव्य दे चिंतक ने। 14वां प्रश्न है जगे पंजाबी सिंधी अते राजस्थानी भाषाई वर्ग किस भाषा परिवार नाल संबंध रखता है, ये रखते हैं जी भारतीय आरियाई भाषा परिवार के नाल संबंध है इन्हों का पंजाबी सिंधी अते राजस्थानी का। 15वां प्रश्न है जगे डॉक्टर प्यार सिंह अनुसार खोज ब्योंत दियां किस्मां दा सही वर्ग की है, यह है जी प्रयोगात्मक, अध्ययनवादी ते सर्वेखन। ज़्यादातर प्रश्न ने जो वह सही किस्मां दे सही वर्ग दे नाल आउंदे ने, वर्ग दिते हुंदे ने अलग अलग, उन्हां नूं ब्योंत दे विच लगाना हुंदा। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा नैट दे विच पुछे जाते हैं। 16वां प्रश्न है जी नंगी रात सड़क, नंगी सड़क रात दा ओला किस वनगी दा नाटक है, नंगी सड़क रात दा ओला दी वनगी पुछी गई है नाटक दी, यह है जी एबसर्डवादी, एबसर्डवादी शैली जां एबसर्डवादी वनगी दा नाटक है नंगी सड़क रात दा ओला। 17वां प्रश्न है जगे थ्योरी एंड हिस्टरी ऑफ फोकलोर पुस्तक दा लेखक कौन है, थ्योरी एंड हिस्टरी ऑफ फोकलोर, हाँ जी यदा पुस्तक दा लेखक है जी व्लादिमीर प्राद प्राप, व्लादिमीर प्राप। 18वां प्रश्न है जगे कालीदास दे नाटक शकुंतला दा अनुवादक कौन है, कालीदास दा जो नाटक है शकुंतला उहदा अनुवादक कौन है, उहने जी डॉक्टर चरण सिंह जी। 19वां प्रश्न आधुनिक पंजाबी वार्तक रचना दे प्रमुख प्रभाव खेतर केड़े केड़े हन, जो अज दे समय दी वार्तक रचना है उहदे प्रभाव खेतर केड़े केड़े ने, उहदे विच ने जी मनोविश्लेषण, राजसी चेतना ते विद्या प्रणाली। 20वां ते अखीरला प्रश्न इस वीडियो दा सुरिंदर सिंह नरुला दे नावलां दा सही वर्ग केड़ा है, नावलकार है जी सुरिंदर सिंह नरुला, ये सही नावलों का सही वर्ग है जी प्यो पुत्र, सिल अलूनी, नीली बार ते लोक दुश्मन। इसी प्यारे विद्यार्थी UGC NTA नैट के ओल्ड पेपर के जो प्रश्न पूछे गए सी 20 प्रश्न, अगली वीडियो के होर प्रश्न लैके आवेंगे UGC NTA नैट मास्टर काडर पंजाबी ते होर पंजाबी इम्तिहानों में पंजाबी स्क्रीनिंग तैयारी के लिए। चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो, दोस्तों के नाल जरूर शेयर करो ते कमेंट करके तुसी अपनी राय दिओ कि तुहानूं वीडियोज़ किस तरह दियां लग रही ने। मास्टर काडर का बहुत सारा सिलेबस है जो अपलोड हो चुका है, इस तों इलावा मॉक टैसट भी चल रहे हैं, मॉक टैसट भी जरूर देखो।